नमस्कार अम्रियजनों, आप देख रहे हैं सी यू टी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज आ रही थी कि सर सी यू टी का एग्ज़ाम हम लोग दे चुके हैं, हमारा आंसर की आ गया, हमारा रिजल्ट आ गया। अब ये बताइए कि हम लोग किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेंगे तो हमें किस विश्वविद्यालय में हॉस्टल मिलेगा और वो हॉस्टल लेने का जो प्रोसीजर है, जो पूरा एक प्रोसेस है, वो क्या होगा। सो फाइनली इस वीडियो में हम लोग काशी विश्वविद्यालय में हॉस्टल प्रोसीजर को समझेंगे कि किन किन बच्चों को हॉस्टल मिलता है, कितने मार्क्स पे मिलता है, कितना रुपया देना पड़ता है। ये पूरा जो डिटेलिंग है, इस एक वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि हॉस्टल का जो पूरा एक कहानी है वो क्या है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो हॉस्टल होता है वो BHU में एडमिशन के दरमियान लगभग 30% लोगों को मिलता है। अगर हम लोग इसको फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, 100 सीट में 30 लोगों को हॉस्टल दिया जाता है। लड़कियों में ये संख्या लगभग 15-10% हो जाता है। अगर मैं बोलूं कि 10 लड़कियों के एडमिशन हुआ तो उसमें से 3 या मुश्किल से 2 लड़कियों को हॉस्टल मिलता है। कहने का पूरा जो कहानी ये है कि BHU में हॉस्टल सभी को नहीं मिलता है। वैसे तो काशी विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, लेकिन फिर भी ये पूरे बच्चों को हॉस्टल मुहैया नहीं करा सकता है। अब बात आती है कि ये जो 30% लोग हॉस्टल ले पाते हैं, जिनको मिलता है, उसका जो प्रोसीजर है वो क्या है। हॉस्टल का जो प्रोसीजर है वो आपका मार्क्स है और आपका घर की दूरी, यूनिवर्सिटी से दूरी, और वो जो दूरी काउंट होती है आपके एड्रेस से, जो एड्रेस आपने अपने एज अ परमानेंट अप्लीकेशन फॉर्म में डाला हुआ था। समझ गए, आप लोग देखे होंगे आपसे एड्रेस मांगा गया होगा, वही एड्रेस जो है 20% वेटेज जो होता है वो आपका एड्रेस होता है और 80% जो वेटेज होता है वो आपका मार्क्स होता है। समझ गए, जैसे आपने जितना भी मार्क्स पाए हो उसका 80% लेंगे वो लोग, और बाकी 20% जो है वो आपका लेंगे क्या, वो लेंगे आपका यूनिवर्सिटी से घर की दूरी। जैसे कि आप कोई झारखंड से आके यहाँ पढ़ना चाहते हैं और उसका मार्क्स भी लगभग एवरेज बच्चों में आ रहा है तो उसको हॉस्टल की सुविधाएं मिल सकती है। मान लो कोई बच्चा साउथ इंडिया से आ रहा है, उससे मिल सकता है। इसमें कुछ बच्चे जो फॉरेन से आएंगे, कजाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, जो अलग अलग कंट्री से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, उनको पूरा अकोमोडेशन मिलता है, यूनिवर्सिटी उनको पूरा हॉस्टल मुहैया कराती है। जो PH बच्चे होते हैं, यानी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको भी हॉस्टल पूरा मिल जाता है, क्योंकि उनके लिए अपने से अरेंजमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल है भाई। उनके पैर में प्रॉब्लम हो जाता है, उनके हाथ में प्रॉब्लम हो जाता है, तो बेसिकली यूनिवर्सिटी उन्हें हॉस्टल का जो सबसे नीचे का फ्लोर होता है, उन्हें सीढ़ियाँ भी ना चढ़ना पड़े, उनको वो वाला जो रूम होता है वो अलॉट कर दिया जाता है। आपको बेसिकली ये हॉस्टल लेने के लिए करना क्या पड़ता है, आपको ये हॉस्टल लेने के लिए जब आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहे होगे, जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन आता है एस या नो करने के लिए। आपने वहाँ पे एस कर दिया तो यूनिवर्सिटी समझ जाएगी कि इन बच्चों को हॉस्टल चाहिए। हॉस्टल जो अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो पूरे एडमिशन प्रोसेस के बाद स्टार्ट होता है, वो भी लगभग 15-1 महीना दिन लग जाता है, मतलब 15-30 दिन लग सकता है कि यूनिवर्सिटी आपको हॉस्टल दे। हॉस्टल की जो फीस होती है वो ये लोग पूरे साल के नाम पे, क्योंकि पूरे साल तो कोई रहता नहीं है, 8-9 महीने रहते हो आप, और ये 5-6 हज़ार कुछ रुपए लगता है। इसी हॉस्टल में आपके खाने पीने की जो सुविधा होती है वो भी दी जाती है, जो कि कुछ 50 रुपये या 60 रुपये पर थाली होता है। डिपेंड करता है किस दिन स्पेशल थाली है, किस दिन नॉर्मल थाली है। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि जिनको हॉस्टल मिल जाता है उनका यहाँ पे मेन कैंपस में जो रहन सहन हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, उनका पैसा बहुत बच जाता है, और वो कहीं ना कहीं बहुत कम पैसे में यूनिवर्सिटी के पूरे लाइफ स्टाइल को, पूरा एजुकेशनल जो उनका एक प्रोसेस है, उसको बहुत आसानी से जी सकते हैं। अब आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं आप ये समझाऊंगा कि उन बच्चों का क्या जो बाकी के 70% है जिन्हें हॉस्टल नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं बता दूं कि वो 70% के लोग जो होते हैं वो BHU के आसपास बहुत लॉज होते हैं, बहुत PG होता है, रूम्स होते हैं जो कि बड़े किफ़ायती रेट में मिलता है, ऐसा नहीं, बहुत लग्जरियस रेट है इनका। 2000 से स्टार्ट होकर 7000-6000 तक यहाँ पे आराम से रूम मिल जाते हैं, जिसमें अटैच किचन होते हैं, बाथरूम्स होते हैं, और आप खुद से बना के भी रह सकते हो, और वो लोग भी टिफिन सर्विस देते हैं, आप उनसे भी सर्विस लेके रह सकते हो। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि अगर एक बच्चा इंडिविजुअल तौर पे एडमिशन लेता है काशी विश्वविद्यालय में तो उस पे साल भर का खर्चा कितना पड़ेगा, जिससे कि आप लोग कम से कम लंबी सांस ले सको और ये एग्जामिन कर सको, ये इवेलुएट कर सको कि हाँ भाई हम काशी विश्वविद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं तो हमें लगभग साल का ये मोटी मोटा 80,000-70,000-60,000-40,000-20,000 रुपये लेके जाना पड़ेगा। ये पूरा जो हॉस्टल की फीस होती है ये आपके एडमिशन से अलग ली जाती है। आप जो एडमिशन की फीस है वो बेसिकली यूनिवर्सिटी को देते हो और जो आपके हॉस्टल की फीस होती है बाद में यूनिवर्सिटी को देना पड़ता है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग टाइम पे पेमेंट दिया जाता है। हॉस्टल का जो पेमेंट और जो फीस होती है, जो खाने पीने का होता है, पूरा पूरा
हॉस्टल पे डिपेंड करता है, उन्हीं के पास ही पैसे जमे होते हैं। तो बेसिकली कहने का सेंस ये है कि आप लोग हॉस्टल के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, वो बाय द मेरिट आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिनको मिलना होगा अकॉर्डिंग टू द मेरिट मिल जाएगा, और जो जिनको नहीं मिलेगा बेसिकली वो लोग यहाँ पे आसपास अरेंज कर लेंगे। उनके लिए मैं एक वीडियो ला दूंगा कि कैसे अरेंज करना है, कहाँ पे हॉस्टल मिलेगा, वो मेरा जिम्मेदारी है, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं, मुस्कुराते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।